हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ब्रेकर फन में। तो कुछ दिन पहले मेरे दोस्तों ने बोला था यार कि ब्रेकर फन के सारे लेवल को कंप्लीट करके दिखाओ। मैंने कहा यार जरूर कोशिश करेंगे, अगर ये कंप्लीट हो जाता है तो फिलहाल मैंने इस सारे लेवल को कंप्लीट कर लिया है, तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो फिलहाल इसकी एक स्टोरी है, जैसे जैसे आप लेवल को कंप्लीट करोगे वैसे वैसे ये आपके सारे मैप हैं इसमें, और मैप में कई सारे आपको ऑब्जेक्ट मिलेंगे। तो जैसे जैसे आप लेवल को कंप्लीट करोगे वैसे वैसे आपके ऑब्जेक्ट पूरे होंगे और पूरा एक मैप तैयार हो जाएगा। तो फिलहाल मैं आपको समझाता हूँ। तो ये देखिए है जंगल का एरिया। तो जंगल के एरिया में हर एक लेवल को कंप्लीट करते हुए हम आगे बढ़े तो भाई खंखार एकदम दलदल वलदल। ये देखो गड्ढे में राइट साइड खजाना भी हमें मिला और हम आगे बढ़ते रह गए। भाई लेफ्ट साइड में जो दलदल है उसमें तो एक सुपड़ा सा मोटा सा खुंखार टाइप का जिसमें डेंजर का बोर्ड भी लगा हुआ है, मतलब बहुत बुरा मगरमच्छ था भाई, पूरी तरह से लेने के चक्कर में पड़ा था। और उसके बगल में टेंट वेंट टाइप का जंगल टाइप का पत्ते वत्ते से ढका रहने के लिए था, लेकिन फटी पड़ी थी। बगल में इंतजार कर रहा था कि साला सोए और इसका मैं पिछवाड़ा काट लूँ, तो मुझे ऐसा नहीं करवाना था। तो जैसे जैसे ये जंगल के लेवल को आप कंप्लीट करोगे तो आपके मैप भी कंप्लीट होते चले जाएंगे, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो फिलहाल मैं आपको रास्ते दिखाता हूँ। तो ये देखो आगे चलते रहो, देखो नैया डूबी है भैया दलदल में और है हमारी हालात खराब फल फल में। ओके, तो 80 लेवल तक ये जंगल का मैप यहाँ ख़त्म हो जाता है। तो फिलहाल आगे चलते हैं। ये देखिए है, ये भी लगभग जंगल का ही मैप, नो सॉरी ये टेम्पल का मैप है। तो देखिए 18 ख़त्म हुआ था, 19 से हम शुरू करते हैं, चलते रहते हैं। भाई लेफ्ट साइड में खूंखार हड्डी रखी हुई, इसी से पता चलता है कि सामने मंदिर तो दिख रहा, भाई मंदिर के पीछे बड़ी सी हड्डी भी दिख रही है, मतलब मंदिर में घुसने से पहले फट तो जानी ही है। और अंदर आपको पता है कि घुसने पर फटने के बाद कुछ नहीं बचेगा, सिर्फ हड्डी बचेगी जो ऐसे ही मंदिर के किनारे आपकी रख दी जाएगी। तो आगे चलते रहिए, फूल वूल इसलिए लगा दिए गए हैं कि जब फटे तो थोड़ा सा आगे बढ़ के फूल को देख के अपना दिमाग शांत कर लीजिए। फिर से एक टेंपल मिला और उसके बगल में स्टैचू, भाई वो भी आंखें नीचे किए हुआ है, जानता है कि फटने तो वाली ही है। आगे बढ़ते रहो, ये देखो राइट साइड में केव में दो चमकती आंखें और इसके पीछे भी खोपड़ियाँ रखी हुई, इसका मतलब आप समझ जाओ कि भाई बहुत खूंखार टाइप का प्यारा सा जानवर अंदर बैठा हुआ है जो आपकी पूरी तरह से लेने में लगा हुआ है। और अगर आप उससे बच गए, सॉरी अगर आप उससे बच गए तो सामने एक मस्त सा फव्वारा गिर रहा है जो आपके दिमाग को ठंडा रख सकता है। तो फिलहाल वहाँ पे ऐसी तैसी करवाने के बाद आ गए हैं हम हिमयुग में। तो इसका भी अपना एक लेवल है जिसका हमें मैप तैयार करना होता है, तो वो पूरा का पूरा मैप भी स्नो में चलेगा, जो इस लेवल को दिखाने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा बाद में, ध्यान देते रहिएगा। तो इसमें भी देखिए हड्डियाँ रखी हुई हैं यार, और बर्फ़ के बीच अगर आग मिल जाती है तो ओ लाला। तो फिलहाल आग चली गई पीछे, हम चलते हैं धीरे से आगे। बस मज़ा लेते रहिए, देखिए हड्डियाँ ही हड्डियाँ दिख रही हैं, पूरी तरह से फट रही हैं। और पानी भी मिला, लेकिन यार समझ रहे हो ना, वो पानी अगर गर्म पानी नहीं हुआ तो लग गई लंका। तो हिमयुग में ऐसी तैसी कराने के बाद आ गए हैं हम समुद्रों के लगभग लगभग बीच में। तो ये लेवल काफ़ी लंबा था, तो इस लेवल का भी समुद्र के किनारे का मैप आपको मैं दिखाऊंगा जो कंप्लीट हुआ है हमारा। ओके, तो यहाँ भी मंदिर शंदिर थे, देखो मंदिर के ऊपर डायनासोर की खोपड़ी रखी हुई है यार, और ये पूरा का पूरा इलाका पायरेट का, आपको पायरेट की नाव यहाँ पे इतनी दिखेगी जैसे लगेगा कि साले आपस में ही लड़के मर मर के ख़त्म हो चुके हैं। केकड़ा अलग मज़ा ले रहा है बालू पे, बिल्कुल धूप का मज़ा लेते हुए। खजाना देखो ऐसे फेंका हुआ है जैसे हाँ हूँ हैं हूँ हैं, इसका कोई मतलब ही नहीं है। और खजाने के कुछ खाली डब्बे भी फेंके हुए हैं जिसको देख के आपको रोना आ जाएगा कि भाई इसमें का खजाना कहाँ गया। और पानी में मछलियाँ अपना अलग मज़ा ले रही है, वह देखो पिग्गी का, ससुरा को कहीं जगह नहीं मिली तो डब्बे पर बैठा हुआ है और दो सार को उसको घेरी हुई है। फिलहाल हम उसकी मदद नहीं कर सकते, वो अपना अलग जूझेगा यार। आगे चलते हैं, यह देखो एक तरफ ज्वालामुखी है एक तरफ इतना बड़ा ऑक्टोपस, इसको बोलते हैं आगे कुआं पीछे खाई, जाई तो कहाँ जाई। तो यहाँ से भी हम बच निकले थे, यहाँ पे बड़ा भयंकर पजल होता है, पजल को पार करने में दिमाग खराब हो गया था। तो फिलहाल हम धीरे धीरे आगे बढ़े आगे बढ़े, वही टूटी नाव, वही पायरेट की टूटी फूटी नाव हमें दिखती चली गई, कुछ मतलब मज़ेदार देखने को नहीं मिला।
मतलब हर जगह वही सीन है, आगे बढ़ते रहे, मतलब इन लेवल को कंप्लीट करने के साथ साथ वो पीछे हमारा मैप भी कंप्लीट होता चला जा रहा था, जो मैं भी अभी मतलब आगे आपको दिखाऊंगा यार, जाना मत वीडियो छोड़ के। देखो यहाँ पे सब ऐसी तैसी कराने के बाद लास्ट में लाइट हाउस मिला तो थोड़ा सा संतोष मिला कि चलो कुछ अच्छा गोला सा प्यारा सा, और लाइट हाउस के साथ हमें दिखी जल परी। दिमाग थोड़ा सा यहाँ पर ठंडा हुआ, और ठंडा होने के साथ हम चलते हैं नेक्स्ट मैप पर, और ये देखिए नेक्स्ट मैप तो पूरा भाई पंपकिन का इलाका है, बड़े बड़े पंपकिन, बड़े बड़े जानवर, मतलब एकदम आइसे ताइसे जिसको बोलते हैं। देखिए और यहाँ पे देखो स्क्रेयर क्रो भी पंपकिन का क्या हवा में झूल ले रहा भाई, देख के तो यहाँ पे कौओ की ऐसी फट जाए, मतलब फटे ना पूरी तरह से फट जाए। ये मकड़ा देखो लेफ्ट हैंड साइड में, मतलब पूरा रेडी है कि आई इधर आई और हमारे गप्पा से हमारे मुँह में जाए हैं, और हम तो के पीछे से निकाल जाएं। तो ये देखिए आगे बढ़ते हैं, ये हमें मिली बाउंड्री, मोमबत्तियां जल रही हैं, पूरी तरह से आपको कब्र में लेटाने की तैयारी है, है ना। ये भी जानते हैं कि भाई कैंडल पहले ही से जला दो, वाट तो इसकी लगनी ही है, मतलब हद है यार। अब देखो यहां तक पहुंचने तक आप नीचे देख रहे होगे 109, इसके यहां तक पहुंचने तक लेवल 868 हम कंप्लीट, मतलब 867 हम कंप्लीट कर चुके थे, लगभग 867 लेवल। और ये देखिए कुछ बचे हुए हैं, तो इन लेवल को मैंने इसलिए कंप्लीट नहीं किया क्योंकि हमारा मैप वहाँ पे कंप्लीट हो चुका था, जो मैंने आपको शुरू में दिखाया था जिसमें स्पेसशिप पीछे उड़ रही थी, तो यहाँ पर लेवल कंप्लीट हो जाने के कारण मैंने लेवल को और कंप्लीट नहीं किया। तो ये ज़्यादा नहीं है, फिलहाल मैं आपको दिखाता हूँ कि लास्ट ये कितने लेवल हैं। ओ ओ ओ जल्दी से आ जाओ, तो ये देखिए 1021 लेवल आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, तो इस गेम का सारा हिस्सा खत्म हो जाएगा अगर आगे के अपग्रेड नहीं आते हैं तो। तो चलिए जैसे जैसे जंगल आइस और टेंपल के रास्तों को हम पार करते हुए गए थे, वैसे वैसे मैंने आपको बोला था कि मैप भी कंप्लीट होते गए होंगे, तो चलिए अब मैं आपको मैप दिखाता हूँ जो मैप कंप्लीट हुए थे। तो फिलहाल चलते हैं बैक, ये देखिए ये है लास्ट का मैप जो हमारा कंप्लीट हुआ। तो जैसे जैसे आप लेवल को कंप्लीट करते जाओगे, हर मैप के छोटे छोटे ऑब्जेक्ट आपके कंप्लीट होंगे, जैसे ही सारे ऑब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएंगे वैसे ही एक पूरा मैप तैयार होके नेक्स्ट मैप में चला जाता है। तो देखिए ये मैप तैयार हुआ था हमारा, फिर इसके बाद ये मैप लाला है ना, मजेदार, बिल्कुल चुड़ैलों वाला सीनरी एकदम, ऑक्टोपस तो उबल रहा है बेचारे की आंखें बस जहाँ बाहर झाँक रही हैं, पता नहीं उसका मुरब्बा सुरब्बा क्या बन रहा है। ये देखो कब्र की सीनरी है ना, मजेदार झकास बिल्कुल। तो ये ही हो जाता है कंप्लीट, तो चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। हर का अपना एक नाम है, स्पेस ट्रेवल ये देखिए कमिंग सून आने वाला है। ये था घोस्ट कैसल और ये रहा सी ब्रिज बीच, वही जो समुंदर जो पायरेट्स का लेवल मैंने आपको दिखाया था जहाँ पे हमें जल परी मिली थी वो रहा। आप उस लेवल को खेलोगे तो ये सारे मैप आपके छोटे छोटे ऑब्जेक्ट कंप्लीट होंगे। ये देखिए वो रहा वो ऑक्टोपस छोटा सा जो उस मैप में बड़ा सा दिख रहा था लेवल में, है ना। तो यहाँ ऑक्टोपस के लिए अलग, इसके चश्मे के लिए अलग, पता नहीं कितना एक एक के लिए खेलना पड़ता है। तो चलते हैं नेक्स्ट मैप पे, ये देखिए ये सब है पायरेट्स के इलाके का। जब उस पायरेट्स के इलाके से आप होके गुजरते रहोगे तो इधर आपकी मैप के छोटे 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 ऑब्जेक्ट आपके कंप्लीट होते रहेंगे, और जैसे ही सारे ऑब्जेक्ट कंप्लीट होंगे वैसे ही एक मैप आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ओके तो ये हो गया कंप्लीट, तो देखते हैं नेक्स्ट क्या था। नेक्स्ट था वो शायद टेम्पल वाला, यस नहीं आइस टुंड्रा। जब आइस के इलाके से हम गुजर रहे थे तो ये सारे मैप कंप्लीट हो रहे थे। देखो मस्त वाला स्टैचू हमारा और उसी के साथ गरम पानी का तालाब, क्या बात,
ठंडे ठंडे बर्फ में जब ये सब मिले तो जिंदगी एकदम झकास हो जाती है। ये बॉल से मजे ले रहा है पेंगुइन बेचारा, मुस्कुराए खड़ा देख रहा है कि बॉल कब मिलेगी, और हमारी फोटोग्राफी तो चली रही है, उसमें कोई गुंजाइश नहीं। और इसमें देखिए, इसमें भी हम मजे ले ही रहे हैं, मस्त चिकन विकन खा रहे हैं भाई ठंडी के टाइम में। बस बगल में आप समझ रहे हो ना एक चीज़ की ज़रूरत है, नहीं नहीं वो नहीं, मैं पीने की बात कर रहा हूँ। ओके तो चलते हैं आपको अगले में, ये रहा इस थंडर और ये रहा देखिए सर्वाइवल इन द टेम्पल। ये टेम्पल का इलाका जिसमें हड्डियाँ वड्डियाँ रखी हुई थी और गुफा में दो चमकती आँखें दिख रही थी, जब आप वहाँ से गुजरोगे तो ये मैप कंप्लीट होता है। तो इसमें देखिए ये हमारा मैप कंप्लीट हुआ था, जिसमें शानदार गाने, लैपटॉप, बाइक शाइक एकदम बिल्कुल छकास हैं। इसमें तो ड्रैगन अलग मजे ले रहा है और बंदर हमारी फोटो झकास खींच के ये भी अलग मजे ले रहा है भाई लोग। मतलब कहने का मतलब दोस्तों, इसमें मेहनत बहुत लगी है, तो ये अगर आपको लग रही हो कि वाकई इसमें मेरी मेहनत हुई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। और जो दोस्त मेरे चैनल पर नए हों, जो इसे देख रहे हो यार, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना। ये देखिए पीछे तो हमें यार मिल चुका है फॉसिल्स पार्क का एकदम मस्त वाला स्टोन, जिसे बेच के हम करोड़ों कमा सकते हैं। और तलवार तो ऐसी मिली है कि आलू तो छिल ही सकते हैं इससे। तो सारे हमने आपको दिखा दिए, अब बचा लास्ट जो हमारा 1 से लेकर 18 लेवल तक कंप्लीट हुआ था मैप, तो इसको भी मैं आपको दिखा देता हूँ, जंगल कैंपिंग। शुरू में हम जंगल से ही होके गुजर रहे होते हैं, तो ये देखो लास्ट का बिल्कुल झकास मछली मारते हुए, कितनी मछलियाँ हमने सुखा भी रखी हैं खाने के लिए, फल फ्रूट एकदम मतलब बिल्कुल ऐश, समझ रहे हैं ना, कोई भी चिंता नहीं, सिर्फ पार्टी पार्टी ऐश। ये देखिए अपना घर बार भी बना लिया था हमने मगरमच्छ के बगल में, समझ रहे हैं ना, वो जो तंबू टाइप का था जो मैं सूखे पत्ते पत्ते की बात कर रहा था, वो देखिए यही कंप्लीट हुआ था। मांस चिकन विकन एकदम मगरमच्छ की वाट लगाने के बाद हमने इसको अपना घर बना लिया था। उल्लू अलग गाने सुन के मजे ले रहा है भाई, और ये सबसे हमारा पहला मैप जो कंप्लीट हुआ था, सबसे पहला सबसे फास्ट। तो ये था हमारे साथ हमारा शानदार गेम, जिसको कंप्लीट करने में पूरे लगे हैं 20 दिन, और कंप्लीट करने में आया बहुत मज़ा। तो जितना मज़ा मुझे आया और जितनी मेहनत लगी दोस्तों, मैं आपसे पूरी गुजारिश करता हूं कि प्लीज़ आप भी वीडियो को उतना ही लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और जो दोस्त मेरे चैनल पर नए हो प्लीज़ 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 आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो फिलहाल दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए गेम के साथ और नए इंजॉय के साथ। तो चलिए दोस्तों, तब तक के लिए अपना प्यार मेरे साथ ऐसे ही बनाए रखिएगा, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।